सो गाइस ज्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट से अगर आप पूछोगे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर कि भाई आप सबसे ज्यादा स्टडी कब करते हो, तो आपको बताएगा कि भाई एग्जाम के कुछ दिनों पहले मेरी स्टडी बहुत ज्यादा होती है, इतने 4 महीनों के अंदर नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक दिन पहले दिन रात करके भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आपका कॉन्फिडेंट अगर लो है तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट बूस्ट करो। एक दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है, बट उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा स्कोर करो कि बाजू वाला, आजू बाजू वाला शॉक हो जाए, यार इसका तो कुछ नहीं हुआ था, आज इतना अच्छा स्कोर कैसे कर लिया। बट गाइस उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी जरूरी है, जो आपके प्रदीप सर आपको इस वीडियो में बताने वाले। और फटाफट फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर गाइस सब कुछ ए टू जेड। जाके प्लेलिस्ट चेक करो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, मुंबई के हो, पुणे के हो, या कहीं भी AKTU किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, सभी के कंटेंट इस चैनल पे ए टू जेड प्रेजेंट है। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को शेयर करना, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन आए कि बच्चों का प्यार इतना मिल रहा है। अब एक दिन में आपको पूरी स्टडी कंप्लीट कर रही है, आपका 0% स्टडी है, तो आपको कैसे करना है, तो भाई बता रहा हूँ। देखो उसको करने के लिए कुछ चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका दोस्त आपके हाथ में होना चाहिए, जिस दोस्त के पास सब चीजें हैं, जो दोस्त बहुत पहले से स्टडी कर रहा है वो आपके हाथ में होना चाहिए, उसका नंबर आपके हाथ में होना चाहिए। उसको क्या करना है, कॉल करना है। कॉल करके उसको बोलना है कि भाई सबसे पहले ना तू ये काम कर, मुझे सिलेबस भेज दे, क्योंकि मेरे पास वो भी नहीं है। तो आपका दोस्त आपको सिलेबस भेजेगा, सिलेबस में आपको पता चलेगा कि हर मॉड्यूल के अंदर कितने टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। तो आपको उसने सिलेबस भेजा, सिलेबस भेजने के बाद गाइस क्या करना है, हर मॉड्यूल के आपके पास बुक तो होगा ही, आपके पास बुक होगा ना, तो हर मॉड्यूल के अंदर आपको देखना है कि जो सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक दिया हुआ है, जो जो टॉपिक दिया हुआ, उन टॉपिक के कौन से क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस के आगे ऐसा लिखा हुआ है 1992, 2006, 2002, ऐसे करके बहुत ज्यादा बार किस क्वेश्चन को बहुत बार 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 एग्जाम में आया हुआ, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आया हुआ, वो क्वेश्चन उठा के अपना एक क्या करो, एक पेज लिखो उस क्वेश्चन। मान लो आपका मैथ का पेपर है, कौन सा पेपर है, मैथ का पेपर, जैसा हम एक एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट का ले लेते हैं, मैथ का पेपर है। तो सबसे पहले आप सुबह का 1 घंटा, सुबह जल्दी 7 बजे उठ गए होंगे, सुबह 7 बजे उठने के बाद सबसे पहले वो लिस्ट बनाओ कि कौन सा क्वेश्चन हर मॉड्यूल का है जो बहुत बार ज्यादा बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो सबसे ज्यादा रिपीट हुए वाले का एक लिस्ट बनाओ, हार्डली मुझे लगता है 8 से 10 क्वेश्चन बनेगा, ओके, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ। फिर उससे थोड़ा कम वाले का एक लिस्ट बनाओ, उसमें मुझे लगता है 6-7 बनेगा, 8-9 बनेगा कोई क्वेश्चन। फिर इसके बाद सबसे कम, इस तरह का आपने एक लिस्ट बनाया, 3 लिस्ट बनाया, सबसे ज्यादा, उससे कम और सबसे कम। इसके बाद ये तीनों मिल गया, अब तीनों आपको पता रहना चाहिए कि ये जो तीनों क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक के हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ये तीनों हैं। तो आपके पास तीनों टॉपिक मिल गए, ये इस टॉपिक का है, ये इस टॉपिक का है, ये इस टॉपिक है और ये इस टॉपिक का है, और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, आपने अपने से ढूंढ लिया, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसका मोस्ट और इसका मोस्ट ये। अब क्या करोगे गाइस, आपके पास क्वेश्चन की तैयार, बट आपने तो पूरे सेमेस्टर में पढ़ाई की नहीं है, आप करोगे क्या? तो भाई सबसे पहले क्या करो, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक को प्रदीप गिरी अकेडमी पे सर्च करो, प्रदीप गिरी अकेडमी, सब्जेक्ट का नाम लिखो, आपको आपके सामने वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो के को फास्ट स्पीडअप करके, मतलब 1.5 या 1.2 जैसा आप सुन सकते हैं उसको स्पीडअप करके फटाफट फटाफट वो वीडियो को पूरा सुन लो, अच्छे से एक बार सुन लो। सुनने के बाद आपके पास वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा ही, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि आपके पास वो बुक है, उस बुक में आपने देखा है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ओके। तो आपने क्या किया, वही क्वेश्चन को आपने थोड़ी बहुत चीज़ें समझ ली और उन्हीं क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, स्टार्टिंग एंड इन मिडल ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितने क्वेश्चन को आपने तैयार किया उन क्वेश्चन को बार 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 सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो, और उन्हीं क्वेश्चन में से, उन्हीं PYQ में से जो आपने लिस्ट बनाया, देखना दूसरे दिन आपको एग्जाम में दिखेगा। देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जो इंजीनियरिंग एग्जाम में यही होता है, ज्यादातर बार यही होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार 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 रिपीट होते हैं, बार 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 रिपीट। अगर पिछले 2 साल के भी क्वेश्चन पर हम उठा लेना, Semester 2 का, Semester 3 का, Semester 4 का, जिस भी सेमेस्टर में हो, उस सेमेस्टर के पिछले 2 साल के अगर हम उठा के उन्हीं के क्वेश्चन को भी अगर हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो भी वो क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन, अगर नंबर इनकेस चेंज होता है तो भी क्वेश्चन का टाइप सेम रहता है, ओके। तो भाई इस तरह से ये चीज कर रहा है, ये सबसे, ये आपका हार्डली 2-3 घंटे में, ये आप लिस्ट भी बना लोगे, 2-3 घंटे में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और दिन भर जो टाइम रहेगा, दिन भर के टाइम में वो सब्जेक्ट जो रहेगा सब्जेक्ट तैयार कर लोगे और आपके दिमाग का टेंशन खत्म होगा। अगर थ्योरी वाले सब्जेक्ट है कोई, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री ये है, तो भाई वो तो बहुत आसान है, वो तो पास होना बहुत ज्यादा आना है, बस दोस्त से नोट्स मंगाओ,
इसी तरह से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट, उनका लिस्ट बनाओ कि कौन सा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, उनका एक लिस्ट बनाओ सबसे कम और उससे कम, और नोट्स दोस्त के पास सही है। फिर इसके बाद सर्च करो, ये टॉपिक आपको आसानी तरीके से कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, उसको स्टोरी की तरह सुन लो, और स्टोरी की तरह सुन के उनके डायग्राम्स की एक बार प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम लिख के आओ, पॉइंट वाइज लिख के आओ, देखो वहां भी बहुत अच्छा स्कोर करके आओ। तो आपका टारगेट एग्जाम के एक दिन पहले, जो कल एग्जाम है उस पर होना चाहिए, और उसको दिन भर इसी तरह से करना है। और अगर कुछ भी नहीं, फर्स्ट चैप्टर में जितने क्वेश्चन है सब करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर PYQ कौन से बार बार रिपीट हो रहा है, वो उस पर आपको फोकस करना है, तो एक दिन पहले आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर और भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट करके हमसे पूछो, बहुत सारी चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे, जैसे बहुत ज्यादा पहलवा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।